मैं इंद्रेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ स्वास्थ्य समृद्धि की राह में। सभी लोग दौड़ते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन क्या है सफलता, इसे समझने के लिए हमने एक सर्वे किया है जिसका परिणाम इस प्रकार है। हमें कुछ लोग ऐसे मिले जो बोले जॉब सेटिस्फेक्शन हो तो मैं सक्सेसफुल हूँ, कुछ लोग बोले स्वस्थ जीवन जियो तो मैं अपने सक्सेसफुल मानूंगा, कुछ लोग बोले अच्छा दिखूं तो मैं अपने आप सक्सेस मानूंगा, और कुछ लोग मिले जो बोले कि मैं सेलिब्रिटी लाइफ जीऊं, साइन दूं तो ऑटोग्राफ बन जाए तो मैं अपने आप सक्सेसफुल मानूंगा, और 78% लोग ऐसे मिले कि मुझे धन निर्माण करने का कोई सिस्टम मिले, पैसा कमाने का, पैसा बनाने का कोई सिस्टम मिले तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। अब पैसा बनाना क्या होता है उसके पहले हम समझते हैं कैसे दुनिया में कुछ लोगों के पास बहुत सारा धन है और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम धन है, अर्थात 95% लोगों के पास 5% धन है और 5% लोगों के पास 95% धन है। ऐसा क्यों है? जैसे कि 95% में लोग कौन कौन आते हैं, हमारे जैसे आम लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आईएएस, पीसीएस, ये सब आते हैं 95% में, और 5% लोगों में कौन कौन आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, नेता, ये सारे लोग आते हैं जो 5% में आते हैं। अब ये समझने के लिए मैंने एक बुक पढ़ा जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो बोलते हैं पैसा कमाने के 4 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि आप नौकरी करके पैसा कमा सकते हो, दूसरा रास्ता है आप सेल्फ एम्प्लॉय बनकर पैसा कमा सकते हो, तीसरा रास्ता है बिजनेसमैन बनकर पैसा कमा सकते हो, चौथा रास्ता है इन्वेस्टर। ये 4 रास्ते हैं, पांचवा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। इंप्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय को एक कैटेगरी में रखा जिसको लेफ्ट साइड बोला जाता है, और बिजनेस में इन्वेस्टर को वो एक साइड रखे जिसको राइट साइड बोला जाता है। अब लेफ्ट साइड वाले लोग आज देखा जाए पूरी दुनिया में 95% लोग, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा मेहनती लोग इसी साइड में आते हैं, और दूसरे साइड बिजनेस में राइट साइड में जो है वो सिर्फ 5% लोग आते हैं, राइट है? ऐसा क्यों? और उसके साथ साथ ये 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है, जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग जो है जो इंप्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो हमेशा इंडिविजुअल इफेक्ट करते हैं, लिमिटेड इनकम कमाते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, काम पे जाना बंद तो पैसा बंद। और ये बिजनेस में इन्वेस्टर जो हैं वो कभी भी अकेला काम नहीं करते, टीम के साथ काम करते हैं, उसके वजह से वो अनलिमिटेड इनकम आता है और उसके वजह से हमेशा पैसिव इनकम कमाते हैं। अब बताइए लेफ्ट से राइट जाना है, आप सभी लोग को राइट पसंद है ना, लेफ्ट से राइट जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस। अब बिजनेस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इन्वेस्टमेंट आ जाता है, अरे बाप रे बाप, इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, नॉलेज लगेगा और रिस्क फैक्टर भी बढ़ेगा। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में हम काम करें तो हम लोग इतना सारा हमें नहीं लगेगा, तो एक ही आंसर आता है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में कितने टाइप के बिजनेस चलते हैं और बिजनेस होता क्या, बिजनेस चलता कैसे है। तो यहाँ पे बिजनेस चलाने के लिए 2 लोग होते हैं, पहला होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है कस्टमर। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है और कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करता है, यही दोनों के बीच में जो काम होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उसी को बिजनेस बोला जाता है, राइट है। अब हमारे पास 2 टाइप के मार्केट है, पहला मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरा जो मैं आपको आज बता रहा हूं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले सीएफ एजेंट के पास जाता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, लोकल होलसेलर के पास जाता है, रिटेल शॉप के पास जाता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता है एडवर्टाइजिंग में। इसके वजह से हमारे पास 40 रुपए का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बनाता है हमारे पास आते आते 100 रुपए में हो जाता है और बचा हुआ 60% इनके घर में चला जाता है, सही बात है, जिसके वजह से इनकी घर गाड़ी सब कुछ इनकी बन रही है। उसके साथ साथ जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो रहा है उसमें क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आती है, उनके साथ टाइप करती है, उसके साथ वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचाती है और कस्टमर को ही बोलती है कि आप इसका प्रमोशन आप करिए, आप बन जाओ डिस्ट्रीब्यूटर, और जिसके वजह से आपको ये जो 60% पैसा इनके जेब में जाता था वो कस्टमर के ही जेब में रिटर्न आता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनके। अब बताइए ट्रेडिशनल बिजनेस अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस अच्छा है, आपका 100% मुझे मालूम है आप ये बोलोगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जबरदस्त करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, कैसे चल रही है। आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि ये इंडस्ट्री आज से नहीं 70 सालों से विश्व में आराम से चल रही है। आज देखा जाए 100 से ज्यादा देशों में सक्सेसफुली ये बिजनेस चल रहा है, उसके बाद देखा जाए भारत में 20 साल से ज्यादा हो चुका है ये बिजनेस को, और उसके साथ साथ भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित बिजनेस है ये, और उसके साथ साथ 25,000 करोड़ का से ज्यादा का टर्नओवर देने वाली ये इंडस्ट्री है जो आज सालाना दे रही है। उसके साथ हम समझते हैं क्या ये वाकई में बिजनेस है और इसके बारे में
आज के दिन में क्या बातें हो रही हैं, पेपर पे क्या क्या आ रहा है, तो कुछ पेपर की यहाँ पे कटिंग आप पढ़ सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज पास्ट ₹6,385 करोड़ टर्नओवर इन 2011-2012। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज लिखी हुई आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। और यहाँ के उपाय आप बताते हुए मुझे गर्व होता है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना खुद का लॉ बनाया हुआ है, गाइडलाइंस बनाया है कि किस कैसे ये बिजनेस में काम करना चाहिए। आप बताओ, जिसके ऊपर गवर्नमेंट सोच रही हो उसके ऊपर काम करने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, 100% नहीं है। अब कौन सी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इंडिया में है, जो नंबर वन पे आती है, जिसके साथ हमें काम करना चाहिए, आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है। उस कंपनी का नाम, इसका नाम है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। इसका वेबसाइट है www.mylifestylemarketing.com। और जिसकी प्रोफाइल की बात करूं मैं आपको, तो इसका मुख्य ऑफिस है चेन्नई में, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है न्यू दिल्ली है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है, ओनर है, उनको 18 साल से ज्यादा का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अनुभव हो चुका है, और उसके बाद FSSC की सदस्य है, उसके बाद FDSC की सदस्य है। और आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है, 2017 में इनको ई रिटेल पुरस्कार भी दिया गया है। और उसके साथ साथ इस बिजनेस को आसानी से कैसे कर सके, आज आप बैठे हो बॉम्बे में बट आपके कोई क्लाइंट है जो यूपी में है, गुजरात में, तो उनको प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करे, तो हमारी पार्टनर है जिसका नाम है इंडिया शॉपी। आज इंडिया शॉपी पूरे इंडिया में देखा जाए 500 से ज्यादा आउटलेट हैं, और उसके साथ साथ ऑनलाइन भी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है, जो www.indiashopee.com जाके आप चेक कर सकते हो और आराम से उनके पास पहुंचा सकते हो। और उसके साथ साथ कोई भी काम करने के लिए एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमारे पास सर्विस सक्सेस अकेडमी है, सिखाती है, पढ़ाती है, समझाती है कि बिजनेस आप कैसे काम करोगे। इसके लीगल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप बिंदास बैठ के चेक कर सकते हो, जो भी आपको वीडियो भेजा है उनसे भी आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, ये गवर्नमेंट से भी टाइप है, MI लाइफस्टाइल राशि से टाइप है, जिसकी वजह से हमें यहां पे एक इंडिविजुअल से सर्टिफिकेट मिलता है, एक साल के बाद उसका एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसके बाद हमें गवर्नमेंट से स्किल इंडिया के थ्रू एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप इंडस्ट कर सकते हो ये काम को। उसके साथ साथ मैं आपको बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें ई रिटेल अवार्ड भी मिला हुआ 2017 में। क्या करना पड़ेगा, ये तो बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें करना क्या पड़ेगा, हमें करने के लिए हमें कुछ नया नहीं करना है, माई लाइफ जो आज तक हम करते आ रहे हैं वही दो काम हमें करना है। अब हम क्या करते आ रहे हैं, हमें कौन सी दो आदत, पहली आदत हमारी होती है खरीदारी, दूसरी आदत है हमारी जिसको बोलते हैं चर्चा करना। कोई भी चीज हम खरीद के लाते हैं दो चार लोगों को जरूर बताते हैं कि मैंने नया चीज खरीदी, जैसे कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं तो दो चार लोगों को मिठाई जरूर बांटते हैं कि ये लीजिए मैंने नई गाड़ी ली है। यही दो काम को हमको करना है। आपको अपनी खरीदारी और चर्चा इनको बदलना मत, केवल ब्रांड और दुकान बदलनी है। ओके, अब हमें कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करना है, पहला हमारा ब्रांड है जिसका नाम है एलिमेंट ब्रांड, जिसको आयुष मंत्रालय सर्टिफिकेशन मिला हुआ कि ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। आज आयुष मंत्रालय के बारे में मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं, हर घर में न्यूज ने सब समझा दिया कि आयुष मंत्रालय क्या चीज है। हमें आयुष प्रीमियम मार्क मिला हुआ है, और उसके साथ साथ 2019 में अपने को बेस्ट हेल्थ अवार्ड भी मिला हुआ है। और उसके साथ हमारा दूसरा ब्रांड है जिसका नाम है ऑन एंड ऑन, जिसको FSSC का लाइसेंस मिला हुआ है। उसके साथ साथ हमारे पास और ब्रांड है, न्यू स्टार, आहार, इंडिया ग्रो एंड माई होम, ऐसे टोटल मार्केट हमारे पास 6 ब्रांड है। और उसके साथ साथ जितने भी इसको सर्टिफिकेट चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट को, अलग अलग चीजों के हिसाब से सारे सर्टिफिकेट अवेलेबल है, आप आराम से हर प्रोडक्ट पे सर्टिफिकेट का लोगो आप देख सकते हो, और जो भी आप वीडियो भेजा उनसे आप बात कर सकते हो, समझ सकते हो। उसके साथ साथ अब हम कौन से कैटेगरी में काम करते हैं, पहला है हेल्थ केयर, दूसरा है न्यूट्रिशन केयर, तीसरा है पर्सनल केयर, चौथा है एग्रो केयर, पांचवा है होम केयर, फूड एंड ग्रोसरी, फैशन केयर, ये सारे प्रोडक्ट के हमें इसकी एजेंसी हमें मिलती है जो हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं हेल्थ केयर के बारे में, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, लाल डब्बे दिखेंगे आपको, राइट है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें नाम में ही पूरा काम लिखा हुआ, मैं डिटेल में इसकी जानकारी नहीं दूंगा, किसी को भी डिटेल में जानकारी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक लिखा हुआ है, प्लीज आप देख सकते। पहला है कफ नील, कफ को नील करने वाला, दूसरा है ओमन कंपनी, मंथली सर्कल के इश्यूज को दूर करने वाला, तीसरा है बिलो तथा, किसी को बुखार आता है तो इसका इस्तेमाल कर सकता है, चेता फॉर्मूला से बना हुआ है, तीसरा है डेली डिटॉक्स, डेली हम नहाते हैं ऊपर से अंदर क्या कैसे साफ करें उसके लिए ये डेली डिटॉक्स, उसके बाद लीवर, अगर लीवर के कोई भी इश्यू है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते, कच्ची बेकार आती है गैस होता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलिंग है किसी का आयरन प्रॉपर नहीं है, उनका ब्लड नहीं बनता तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चंपिंग ऑयल है मतलब बोलते हैं चंपिंग कर सकते हैं अपने बॉडी को, बाल खाल सबके लिए बनाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे है फाइव स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस आज के दिन में हमारे पास होते हैं, ये स्ट्रेस को दूर करता है। तीसरा है नो वेदना, सबसे बड़ी बात आज के दिन में बताया जाता है कि यदि आपने इंग्लिश पेन किलर अपने खाते हो तो यदि 1000 आपने इंटेक करते हो तो आपकी किडनी और लीवर की वाट लग सकती है, यदि अपने लीवर और किडनी को बचाना है तो आपको आयुर्वेदिक नो वेदना यूज करना चाहिए जो पेन होता है उसके लिए, तो हमारे पास जेल फॉर्मुला कैप्सूल फॉर्मुला दोनों अवेलेबल है, उसको मेंस सकते हैं, स्पेशल फॉर्म मेंस के लोगों के लिए है, राइट है। उसके बाद है वेल हार्ट, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, यदि हम एक साइकिल या बाइक या कुछ भी खरीदते हैं उसकी सर्विसिंग जरूर कराते हैं,
बराबर है। भगवान ने इतना करोड़ों की बॉडी दिया है जिसका हम लोग कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसका हम लोग कभी सर्विसिंग नहीं कराते, कभी उसका हार्ट नहीं चेक करते कैसा क्या, उसका ऑयलिंग नहीं कराते। आप चाहते हो कि आप हार्ट अटैक से ना मरो तो आप कम से कम साल में 3 बोतल ये वेल हार्ट की गोली जरूर खाना चाहिए हमें। आयुष्वास, किसी को लंग्स के इश्यूज होते हैं, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसका इस्तेमाल कर सकता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट इसमें देता है। दूसरा थायराइड के किसी को इश्यू है तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है। साइक्लोवा सीओडी का प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नेट्सियम, किसी को कैल्शियम का प्रॉब्लम है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिफ्लेस, किसी को यदि पथरी है किडनी के अंदर उसको 9 mg/dL की पथरी तो आराम से निकाल सकती है। उसके बाद एंटी एलर्जी, किसी को एलर्जी किसी चीज से हो रही तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एलर्जी भी दूर होता है। उसके बाद जला कटा किसी चीज को है तो उड हीलिंग क्रीम हमारे पास, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद नीम निद्रा, यदि किसी को अच्छी नींद नहीं आ रही तो ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अच्छा नींद ले सकता है वो बंदा। उसके साथ साथ हमारे पास है सबसे यूनिक प्रोडक्ट जिसके वजह से मैं ये इंडस्ट्री में आया हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया हूँ, जिसका नाम है डाबा लाइफ, क्योंकि ये मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके आया। मेरी मम्मी को डायबिटीज था जिसको मैंने दिया और आज के दिन वो एकदम नॉर्मल है उनका डायबिटीज। आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिसको भी डायबिटीज है वो एजुकेशन का टेस्ट करा के ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, 6 से 7 महीना इस्तेमाल करता तो 100% को रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है स्पोना गोल्ड। के बाद न्यूट्रिशन केयर की बात करूं, सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है, सबसे यूनिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग संजीवनी बूटी, जिसका नाम है 9E5। यदि ये प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी को जबरदस्त मजबूत करते हैं, और उसके साथ साथ यदि आपका सेल जनरेट है तो आपको कोई भी इश्यू होने वाला नहीं। ये बाल से लेकर नाखून तक सारे प्रोडक्टों को प्रॉब्लम करता है। ये 13 बेरी फैमिली से बना हुआ, 9 लाख ओराक वैल्यू है इसमें। के साथ साथ मेल्ट फैट, मोटापे को दूर करना तो ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। दूसरा प्रोटीन प्लस बॉडी बिल्डिंग इश्यू करना तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद न्यूट्रलाइज, उनके विटामिन आयरन की किसी चीज की कमी हो तो इसको ले सकते हैं। ये बेबी डी बाबा सादे लोग ले सकते हैं। उसके साथ मैं बात करूंगा कवच प्लस, आज के दिन में इसकी मांग इतनी ज्यादा है। उसके बाद है कोई आदमी जेनुअल तरीके से अपना वेट कम करना चाहता है तो फैट एंड स्लिम थेरेपी है, जिसको 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो 100% अपना वेट कम होता है। उसके साथ है क्या, हम सुबह उठ के नहाते नहीं है, नहाते होंगे ना, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते ही है ना, हम लोग सुबह शैम्पू लगाते ही है ना, ये सारे आइटम हम डेली यूज इस्तेमाल करते कि नहीं करते। अब उसके साथ हम होम केयर की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, फर्श धोते हैं, ये सारी चीज धोते कि नहीं धोते। उसके साथ चाय पीते कि नहीं पीते, ये सारे आइटम हम काम करते हैं। उसके बाद जो खेती वाले प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास देखा जाए तो जैविक खाद अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपनी खेती को बढ़ाने। क्या ये जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूं ये यूजफुल के प्रोडक्ट है कि नहीं, और ये जो प्रोडक्ट बनाए हुए लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, आज के वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट लोग जो इन्होंने प्रोडक्ट को बनाया हुआ है, आप डिटेल में पूरी जानकारी इनके नाम से गूगल में टाइप कर दो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके साथ साथ ये जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखाया मैंने, ये सारे प्रोडक्ट आपको एक बार लाइफ में परचेस करना है। यदि आपने परचेस किया ओके, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक दे के आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका यहाँ पे ऑनलाइन लॉगिन होता है, लॉगिन होने के बाद आपका यूजर आईडी पासवर्ड बनता है, और जितना भी प्रोडक्ट आपको दिखाया मैंने वो आपने परचेस कर लिया तो आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है, और ग्रीन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाता है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन डन होता है आपको यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के इनकम मिलते हैं। पहला मिलता है रिटेल इनकम, दूसरा मिलता है सेल टर्नओवर सब जो साप्ताहिक होता है, और उसके बाद आपको परफॉर्म बोनस मिलता है जो मासिक होता है, मतलब मंथली मिलता है, रैंक इनकम मिलती है, उसके बाद आप लॉयल्टी इनकम मिलती है, उसका एनटीसी फंड इनकम मिलती है, उसको ओवरराइडिंग इनकम मिलती है, रॉयल्टी मिलती है आपको, और मान सम्मान और विदेश यात्रा भी मिलती है, उसके बाद अवार्ड रिवार्ड भी मिलती है, राइट। एक एक करके आप एक एक इनकम की बात करते हैं। सबसे पहला इनकम है जिसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, जिसमें आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डीपी प्राइस मिलता है आप वहाँ पे बेच सकती हो। इसमें कम से कम 40-50% का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट का नाम लेता हूँ जिसका नाम है महाभिराल, उसका MRP है 380, उसका DP है 270, प्रॉफिट कितना हो गया 110 रुपया, राइट है, तो 110 रुपया आप कमा सकते हो डायरेक्टली सेल करके। उसके बाद दूसरा है हमारा सेल टर्नओवर बोनस जो वीकली आपको मिलता है, मैं इसको यहाँ पे कम से कम आपको मिलता है 500 रुपया और ज्यादा से ज्यादा मिलता है 2,10,000 हफ्ते का, महीने की बात नहीं कर रहा ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल टर्नओवर हफ्ताविक जो मिलता है वो शनिवार से लेकर शुक्रवार तक हमारा सप्ताह चलता है। यहाँ पे 100 रुपया आप देते हो तो उसका 75 BV बनता है। यहाँ पे 2 टीम आपको बनानी पड़ती है, YG1 एंड YG2, इन दोनों टीम का जो बीवी बनती है मैचिंग होता है उसका 12% अपने कमीशन आता है। अब हम समझते हैं आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपको 2 दुकान मिला YG1 YG2, आपके YG1 में 10,000 का सेल गया, YG2 में 10,000 BV का सेल गया, तो आपका मैचिंग कितना हुआ 10,000 BV, तो टोटल मार्केट आपका इनकम कितना होगा, उसका 1,200 रुपया आपका इनकम होगा। नेक्स्ट वीक में आप 50,000 BV गया, यहाँ 25,000 BV गया, तो आपका कितना मैचिंग हुआ 25,000 BV मैचिंग, जो कम वाला था उसकी मैचिंग होती है, उसका 12% देगा, 3,000 रुपया इनकम आती है, और जो 50 में 25 बचा था वो आपका लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड रहता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में समझो 75,000 का बिजनेस हुआ और यहाँ 25,000 का बिजनेस हुआ, 25,000 और 75,000 जो आपका 25,000 बचा हुआ तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो यहाँ पे 1,00,000 हो गया, और YG2 में
बीबी 1 लाख का बिजनेस हुआ तो टोटल मार्केट आपका कितना हो गया 1 लाख बीबी, तो टोटल आपका इनकम कितना हुआ 12,000 रुपए के आसपास हुआ। उसके बाद 10 लाख का बिजनेस जाता है, 10 लाख का 12% देखा जाए तो 1,20,000 आपका इनकम होता है। उसके जैसे जैसे आपकी टीम बनने जाती है, आपकी टीम में रीपर्चेस होता है, रिक्रूटमेंट होता है और रिटेल होता है, ये सारी चीजें टूल्स यूज करते हुए आपका बनता जाता है। और YG1 में 20 लाख बीबी का बिजनेस हुआ, YG2 में 20 लाख का बीबी का बिजनेस हुआ तो आपको कितना मिलना चाहिए 2,40,000। बाकी कंपनी यहाँ पे आपको देती है सिर्फ 2,10,000, इससे 1 रुपया भी ज्यादा आपको कंपनी देती नहीं है, क्योंकि यहाँ सीलिंग लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। सीलिंग नहीं लगा होता शायद हम यहाँ बैठते नहीं। यहाँ पे मिलते परफॉर्म बोनस जो आपको मंथली मिलता है, उसके बाद तो मिलता है स्टार परफॉर्म बोनस, यहाँ मिलता है जो एमराल्ड गोल्ड प्लेटिनम उनको स्टार परफॉर्म बोनस मिलता है। उसके साथ साथ आपको रैंक की एबिलिटी बताता हूँ, यहाँ पे टीम कोऑर्डिनेटर लेते हुए कोई एम्बेसडर तक बन सकते हो। पहला रैंक जो है जो मुझे बहुत ही पसंद है, जो मेरे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो मैं उनको एक ही प्लानिंग बोलता हूँ सर कि आप मेरे साथ मिल के काम करिए, 3 से 6 महीना के काम करते हैं और ये रैंक को हासिल करते हैं जिसका नाम है स्टार सिल्वर। यदि आप स्टार सिल्वर बनते हो आपको यहाँ पे 3 लेग मिलता है, आपका लेग 1, लेग 2 और लेग 3। अब ये लेग में आपने 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 का आपने बिजनेस कर लिया, करने के बाद आप बन जाते हो स्टार सिल्वर। उसके बाद जो है ना आपको 2% रैंकिंग आता है, आपको लॉयल्टी बोनस आता है, परफॉर्म बोनस आता है, उसके बाद मैक्सिमम देखा गया है 30,000 से लेके 40,000 रुपया मंथली आदमी कमा सकता है यदि स्टार सिल्वर रैंक पे है। तो आप बताइए यदि 30 से 40,000 रुपया इनकम आएगी अपने को तो कैसा रहेगा हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंक इनकम मिलता है या 2% लेके 7% तक रैंक इनकम मिलता है। जैसे ही आप रैंक पे जाते हो स्टार सिल्वर स्टार पर बनते हो वैसे आपको रैंक इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके लॉयल्टी मिलती है, जो हमने लॉयल्टी की बात किया, कम से कम 5,000 रुपए फिक्स लॉयल्टी मिलती है जो भी एक कैटेगरी पूरा करते हैं, 5,000 से लेकर 20,000 तक लॉयल्टी इनकम मिलती है। उसको स्टार लॉयल्टी मिलता है, कोई भी अपने स्टार सिल्वर रैंक पे हो, स्टार पर कोई भी रैंक पे हो डिस्ट्रीब्यूटर, वो आदमी 6 महीने लगातार लॉयल्टी मार रहता है, उसको स्टार लॉयल्टी बोनस भी मिलती है। उसके बाद रीपर्चेस, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर क्या हमें मंथली रीपर्चेस करना पड़ता है, ये जो प्रोडक्ट बताया है मैंने क्या हम लोग रेगुलर बेस पे खुद यूज नहीं कर सकते, यूज करेंगे तो क्या हम लोग 1,000 का परचेसिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे कम से कम 750 रुपए का रीपर्चेस हमें करना पड़ता है पर मंथ अपनी आईडी को एक्टिवेट रखने के लिए। यहाँ पे कंपनी अवार्ड और रिवार्ड भी देती है, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग होती है उसे 10 वीक के अंदर स्टार सिल्वर बनते हो तो आपको कंपनी 25,000 का लैपटॉप फ्री में देती है सर, और उसके साथ आपको लैपटॉप से लेके विला तक कंपनी आपको अवार्ड रिवार्ड में देने को तैयार है, आपके अंदर दम है तो लेके दे। एनटीसी फंड देती है, जो एनटीसी लीडर्स बन जाते हैं एनटीसी रैंक पे उनको कंपनी एनटीसी फंड देती है, और डायमंड अवार्ड लोगों को रॉयल्टी कंपनी देती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकम के बारे में समझते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें मिलता है सम्मान और विदेश यात्रा भी हमें मिलती है, और उसके साथ सबसे जबरदस्त जिसकी वजह से मैं ये बिजनेस में आया हूँ जिसको बोलते हैं स्टार अट्रैक्शन, यहाँ पे उत्तर रेहारी सुविधा भी हमें अवेलेबल है। यदि मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बिजनेस मेरे नॉमिनी के नाम पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। साथ साथ यदि हम तीसरे रैंक पे आ जाते हैं 3 लाख का इंश्योरेंस अपने कंपनी देती है। क्या क्या फीचर्स है करने के लिए? पहली बात, यहाँ पे कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, यहाँ पे कोई भी जोखिम नहीं है, कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, जहां मन के वहां पर। और सबसे बड़ी बात, कोई भी टारगेट नहीं है, जब मन करे तब काम करो, जब मन करे मत करो। उसके बाद यहाँ पे साप्ताहिक आय मिलता है, अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग लगती है, खाली समय का सदुपयोग कर सकते हो इसमें, कोई भी एजुकेशन यहाँ पे जरूरी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, घर पे बैठे बैठे काम को कर सकते हैं, कम परिचालन लागत है, यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमको सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है, उसके साथ यहाँ पे नॉमिनी सुविधा भी अवेलेबल है, जिसके वजह से हम ये बिजनेस को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज तक नॉमिनी सुविधा बाहर कहीं नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलती है। इसी सभी कारणों की वजह से MI लाइफस्टाइल एक सुरक्षित और सबसे बेहतरीन अवसर है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरा हाथ पकड़िए और हम लोग मिलकर काम करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद अपनी फ्यूचर कुछ इस टाइप से माई लाइफ स्टाइल बनने वाला है, अपना अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, फैमिली सिक्योरिटी और उसका फैमिली के साथ फॉरेन टूर, क्या आप करना चाहते हो? तो हाथ पकड़िए, जिन्होंने ये वीडियो आपको भेजा उसका हाथ पकड़िए और उसके साथ कमिटमेंट के साथ 3 से 5 साल काम करिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने भी आपको ये वीडियो भेजा है उन पे भरोसा करिए कि आज ये बिजनेस को स्टार्ट करिए, आज के टाइम पे सबसे जबरदस्त बिजनेस है ये। और जिन्होंने भी बिजनेस का लिंक आपको भेजा है उसके साथ आज के आज बात करिए और ये बिजनेस को स्टार्ट करिए। और यहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, किसी को डायरेक्टली ये वीडियो मिला है फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, तो डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहता है तो मेरा नंबर है 9920700894 और दूसरा नंबर है 8459208595। आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो और ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।